दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट आ चुका है और हमारे सामने भी ये फेसलिफ्टेड वर्जन खड़ी है। और बताते चलूँ कि ये बेस वेरिएंट है, ई वेरिएंट है। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है और इसकी क्या प्राइस होने वाली है। दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके की से। जो ई वेरियंट है उसकी की जो कुछ इस तरीके से आती है। इसमें आपको कुछ फ़ीचर्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के और बूट को अनहोल्ड करने के लिए, बट आपको मैनुअली इसको ओपन करना पड़ेगा। और ये जो की है वो ऐसे फ्लिप की है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। पीछे आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों एक्सटीरियर का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो इसका फ्रंट का डिज़ाइन है। सबसे पहले बात करें अगर सबसे बड़े अपडेट की तो इसकी ग्रिल है। आपको ग्रिल जो दिख रही है ये ऑल ब्लैक है और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, मैसिव लग रही है। दूसरा अपडेट है इसकी DRLs, जो कि बेस वेरिएंट में भी आपको DRLs मिल जाती हैं और यहाँ पे इसके इंडिकेटर का प्लेसमेंट है। नीचे आपको कुछ इस तरीके से इसका हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। फॉग लैंप्स यहाँ पे नहीं मिलते क्योंकि ऑलरेडी ये इतना नीचे दिया गया है कि आपको फॉग लैंप्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाता है और ये हैलोजन है। दोस्तों जो इसका बोनेट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही शानदार लगता है। और जो एजेस हैं वो बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं आपको। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके टायर साइज़ की। चारों टायर की साइज़ यहाँ पे 16 इंच रखा गया है और ये ऊपर से व्हील कैप दिया गया है। इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट है वो फेंडर पर मिल जाता है और ये इसका ORVM है, ऑल ब्लैक में है। नीचे आपको कुछ फाइबर मिल जाता है बट यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की टर्निंग लाइट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। और ये इसके डोर हैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे की इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं मिल रहा है आपको। दोस्तों इसके साइड में ये सिल्वर टच दिया गया है रूफ़ के साइड, बहुत ही अच्छा लगता है टॉप पे। ये इसका साइड प्रोफाइल का पूरा लुक है। आइए इसके रियर सेक्शन की बात करते हैं। रियर सेक्शन में जो सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों वो इसकी टेल लाइट है। आप देख सकते हैं कनेक्टेड टेल लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, बट ये बेस वेरियंट है तो यहाँ पर आपको LED नहीं मिलने वाला है। और बीच में आपको हुंडई का यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, क्रेटा की बैजिंग ऐसे भी पड़ी है। गाड़ी को बैक करते टाइम जो लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे दी गई है। सेंटर में होने की वजह से पूरा आपको जो इसका थ्रो मिलेगा वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। जो इसके रियर ग्रिल है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर टच दिया गया है और ये अच्छा लग रहा है। दोनों आगे और पीछे दोनों जगह पर आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है। रिफ्लेक्टर्स का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का वाइपर वगैरह नहीं मिल रहा है। ये जो इसका एंटीना है वो नॉर्मल ही है। तो दोस्तों जो इसका एक्सटीरियर है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, पहले से बहुत ही परफेक्ट लग रही है अब। और यार वैसे भी क्रेटा के लोग दीवाने हैं, फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है कि ये मॉडल का तो छोड़ ही दीजिए, चाहे जो भी मॉडल आ जाए क्रेटा के नाम से वो बिकना ही बिकना है। आइए अब इसके इंटीरियर को चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे गेट खोलते टाइम कि इसके गेट का जो वेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है पहले से। और जैसा कि हुंडई क्लेम की है कि ये इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ हुआ है तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। सपोज करते हैं जल्दी ही NCAP का क्रैश टेस्ट आएगा। दोस्तों इसके इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी प्यारा है। लाइट कलर दिया गया है, ऊपर के साइड आपको लाइट ब्लैक दिया गया है और यहाँ पे आप ये ग्रे कलर है और यहाँ पे वाइट जो टच दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीकर के प्लेसमेंट के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स काफ़ी मैसिव साइज़ में है और कुछ कंट्रोल्स आपको मिलते हैं जो कि जाहिर सी बात है आपको हर गाड़ियों में मिलते हैं, बट ये बेस वेरियंट होते हुए भी चारों आपके जो विंडो हैं वो इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक की स्विच यहाँ पे दी गई है और ये नॉब्स जो है वो ऑल ब्लैक में है। एक चीज़ जो अभी भी लग रहा है कि बेस वेरिएंट में हम बैठे हैं वो है यहाँ से आप इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की स्विच वगैरह नहीं मिलती। दोस्तों इसका इंटीरियर है ना वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यार देखने में, पहले से बहुत ही चेंज हो गई है पूरी तरीके से। इसका एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। दोस्तों बेस वेरिएंट होते हुए भी यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप मैनुअल कर सकते हैं और 6-way एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। दोस्तों जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, पहले से भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिट एंड फिनिश की बात कर लें या कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लें, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर। जो इसकी स्टेयरिंग है वो आपको डी कट में मिलती है और यहाँ पर सिल्वर टच मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बीच में आपको यहाँ पर हॉर्न की जगह पर हुंडई का लोगो मिलता है और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत। वाइपर के कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड मिलते हैं और लाइट्स का जो कंट्रोल है वो आपको राइट साइड मिलेगा। यहाँ से आप अपनी लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं और ये AC का वेंट है, बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो AC का वेंट है ना वो आपको दिखेगा नहीं बट इसका जो थ्रू है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
ये मैग्नेट है, जैसे आप कोई भी चीज़ लिए हैं आयरन की है वो यहाँ पे आप और आराम से होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन वगैरह का जो आता है होल्ड करने के लिए वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये इसकी MID है, पूरी डिजिटल मिलती है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एनिमेशंस आ रहे हैं वो कितने शानदार है। लाइट का थ्रो जो है बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले की क्वालिटी तो यार हुंडई तो बहुत ही अच्छा पहले से ही देती है। बीच में आपको जो सेंट्रल कंसोल है कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, आप अलग से भी लगवा सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप एक स्पीकर भी लगवा सकते हैं, और जब आप एसी वेंट्स को देखते हैं ना तो वो बहुत अच्छी जगह पे प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ना एसी का, इसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है और आपको दिखेगा भी नहीं। उसके बाद जो ये सिल्वर टच दिया गया है ना एसी के वेंट्स पे, ये काफ़ी प्यारा लगता है देखने में दोस्तों। और एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि मैनुअल हैं, और कुछ यहाँ पे आप स्टोरेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। और यहाँ पे USB सॉकेट दी गई है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है आपको। ये इसका गेयर बॉक्स है जो कि 6 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ आती है। और लेदर अपॉर्ची काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, यहाँ पर भी सिल्वर, यहाँ पर क्रोम फिनिश आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये इसका हेडरेस्ट है, हैंड ब्रेक है, और जो इसका हैंड रेस्ट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये स्लाइडेबल नहीं है दोस्तों, इसको आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स के साइज़ की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है, बहुत डीप नहीं है बट डिसेंट है। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये बेस वेरियंट है। ये इसका IRVM है जो कि आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं डे नाइट। और ऊपर के साइड आपको यहाँ पर लाइट्स वगैरह नहीं दी गई यार, ये रहनी चाहिए थी। और ये है टिकट होल्डर, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिल रहा दोस्तों। अब बारी है इसके सीट्स के कंफर्ट की, बात करेंगे इसके सीट कंफर्ट के बारे में। तो काफ़ी अच्छा सीट कंफर्ट मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है क्रेटा में। और ये जो अपोर्ट्री है ये फैब्रिक है, तो यार इस पर तो आपको ज़रूर सीट कवर लगवाना चाहिए, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा। और जो इसका इंटीरियर का जो कलर है ना वो काफ़ी लाइट है, तो इसकी वजह से काफ़ी एयरी लगती है गाड़ी। तो चलिए दोस्तों अब इसके रियर की बात करें। दोस्तों जब इस कार को आप बंद करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आवाज़ आएगी, बहुत ही प्यारा ट्यून था दोस्तों। ये इसका रियर इंटीरियर है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस वेरिएंट होते हुए भी यहाँ पे आपको हेडरेस्ट 2 मिल जाता है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। सीट की कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। और ये इसका पैसेंजर गेट है, आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको एक अप डाउन करने के लिए स्विच मिल जाती है विंडो को। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट है बट इसमें स्पीकर नहीं आता। यहाँ पे कुछ आप स्टोरेज फ़ोन अगर अपना रख सकते हैं दोस्तों। वाकई इसके सीट की कुशनिंग बहुत ही अच्छी है। और ये रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं पैसेंजर के लिए। यहाँ पे 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। जो इसका फ्रंट का डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है यार, बहुत ही प्रीमियम लग रही है गाड़ी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। और हुंडई अपने डिज़ाइन के लिए जानी भी जाती है यार। एक बार मैं आपको दरवाजे का थर्ड सुनाता हूँ, तो इस तरीके से इसका थर्ड है, काफ़ी प्रीमियम है, फिट एंड फिनिश भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से दी गई है दोस्तों। ये इसका बूट स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है यार। यहाँ पे कुछ आपको एसेस करने के लिए यहाँ पे हुक मिल जाते हैं, और ये इसके नीचे हम मुझे लग रहा है इसकी स्टेपनी होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको एक स्टेपनी मिल जाती है। और यार ये भी 16 इंच का है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियों में मुझे मैंने देखा है कि जो इसका स्टेपनी होता है वो छोटा, इसका व्हील साइज़ छोटा होता है। और ये ग्रे कलर होने की वजह से ना बहुत ही एयरी लग रहा है यार सच में। यहाँ पे आप ट्रे वगैरह लगवा सकते हैं। और ये जो इसका बूट का जो गेट है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ढका हुआ है, कोई भी चीज़ आपको ओपन नहीं मिलती यार। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हुंडई इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखती है, फिट एंड फिनिश और क्वालिटी बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है। इसी की वजह से क्रेटा जो है आज के डेट में एक ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे ना दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी मिलते हैं इसके जल्दी ही किसी और वीडियो में, टॉप वेरिएंट की बात करेंगे बट ये बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसका जो टॉप बेस वेरिएंट है वो 13 लाख से शुरू होता है, टॉप एंड वेरिएंट की कीमत यहाँ पे 21 लाख के समथिंग जाती है, बट आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और ये जो फेसलिफ्ट वर्जन है ना ऐसे ही देना चाहिए, एकदम परफेक्ट है, पहले से बहुत ही अलग है और बहुत ही यूनिक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।